नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकाड़ो से बोकाड़ो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर हम जब नर्सरी में जाते हैं पौधे को लेने, तो उसमें तरह तरह के फ्लावर खिले हुए रहते हैं, ढेर सारी कलियाँ आई रहती है। इसके बाद आप देखोगे कि जो फ्रूट वाले पौधे हैं उसमें फ्रूट लगे रहते हैं, चाहे वो लेमन के हों, अमरूद के हों, बेर के हो, किसी तरह का फ्रूट का पौधा आप देखोगे उसमें फ्रूट लगे रहते हैं। उसको आप घर में लाते हो तो वो फ्रूट आप खाते भी हो, बड़ा हो जाता है, फिर उसको आप खाते भी हो, लेकिन इसके बाद आप देखते होंगे कि उसमें फ्रूट आते ही नहीं हैं। और ये परेशानी का बहुत सारा कमेंट आया है कि मैं फ्लावर लेकर आई, ढेर सारे फ्लावर थे, लेकिन बाद में उसमें कोई भी फ्लावर नहीं आ रहा है या फ्रूट नहीं आ रहा है। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पर शेयर करने आपसे कि फर्टिलाइज़र का कैसे उपयोग करना है और कौन कौन से फर्टिलाइज़र को हमें कब उपयोग करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए। इन बातों का नर्सरी वाले कैसे ख्याल रखते हैं, क्या चीज़ करते हैं कि उनके फ्रूट और फ्लावर अधिक मात्रा में आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आ रही हूँ यहाँ पर, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर यूरिया डाली हुई है और यहाँ पर आप डीएपी देख रहे हैं। ये डीएपी हो गया, ये डीएपी है और यहाँ पर यूरिया है, जो आपको चीनी या नमक के जैसा दिखाई दे रहा है। साथ ही आप यहाँ एनपीके देख रहे हैं, 19-19-19। अब मैं यहाँ पर कुछ इनके बारे में बातें कर लूँ। पूर्ण रूप से इसमें आप देख रहे हैं कि बराबर मात्रा में है, 19-19-19 का मतलब है कि ये आपका इसमें तीनों चीज़ बराबर मात्रा में है। इसके नंबर अलग अलग भी होते हैं, तो आपको जिस तरह का आवश्यकता होता है, नाइट्रोजन का आवश्यकता है तो वो भाग अधिक होना चाहिए, ऐसे नंबर वाले आप ले सकते हैं एनपीके और उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप डीएपी देख रहे हैं। अब डीएपी और एनपीके में आपको ये देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि डालने के समय सतर्क रह के डालना है। मान लो आपको डीएपी डालना है, आपके गमले जो हैं 12 इंच के हैं, तो इसमें आप देख लोगे, गिन कर देख लेना है कि 12 दाने ही आप इसमें डालें, 12 से 11 दाने हो जाएं, लेकिन 13 दाने ना हो, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र अगर पड़ गया तो पौधे आपका बर्बाद भी हो सकता। दोस्तों, यूरिया आपके पौधे को हरा भरा रखने में, उसका ग्रोथ में काम आता है। तो जिस समय नन्हे से पौधे होते हैं, उनको बढ़ाने की आवश्यकता होती है, उस समय आप उसमें यूरिया का व्यवहार कर सकते हैं। या फिर आप जो पत्ते वाले पौधे आपके हों, चाहे वो ऑर्नामेंटल हो या साग भाजी हो, जो लीफी प्लांट है, उसमें यूरिया काम में आता है। लेकिन यूरिया का जब आप उपयोग करते हैं तो उस समय आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी यूरिया की मात्रा अधिक हुई तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं, जल जा सकते हैं। तो यूरिया का उपयोग करने में आप क्या करें कि चौथाई चम्मच से भी कम, एकदम थोड़ी सी, जो चुटकी भर कहते हैं, यूरिया लें और उसको 1 लीटर पानी में घोलकर और तब उसका उपयोग करें तो ये बेहतर रहता है। ये तीन जो आप देख रहे हो, मुख्यतः हम लोग जो भी फसल उगाते हैं या सब्जी और फ्लावर लेते हैं, उसमें ये तीनों आपका रहता है, इसी तीन खाद का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इसमें यूरिया को मैं यहाँ हटा दे रही हूँ और डीएपी को भी हटा दे रही हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये है गोबर की खाद, यानी काउडंग। काउडंग या इसका उपला जो बना होता है, उसका भी मैंने फर्टिलाइज़र आपसे शेयर किया है। ये अपने आप में पूरी तरह से एनपीके है, इसमें हर एक चीज़ मौजूद है, इसलिए ऑर्गेनिक उपयोग करने में आप बेहतर है कि काउ डंग का उपयोग करें। दोस्तों, नर्सरी वाले जब उपयोग करते हैं तो आप ये देख रहे हो कि डीएपी है, डीएपी का
एक चम्मच लेते हैं, वो एक चम्मच डीएपी ले लिया और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर उसमें यूरिया मिला देते हैं ताकि पौधे बढ़ते भी रहें और हरे भरे दिखें। और डीएपी से पौधे आपके स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, बढ़ते भी हैं और फ्लावर भी उसमें अच्छे से आते हैं। तो एक चम्मच डीएपी और मात्र एक चुटकी उसमें यूरिया मिला लेते हैं, उसको सॉइल में दे देते हैं या फिर उसको पानी में घोल कर भी उसका पत्ते पर स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग करने में बस सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप यूरिया का उपयोग करते हो और डीएपी की कर रहे हो और नर्सरी वाले इसको 15 दिन के अंतराल में अपने पौधे पर दे दिया करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनका पौधा हरा भरा भी रहता है और फ्लावरिंग करते रहता है, उसमें कलियां आते रहती हैं और फ्लावर खिलते रहते हैं। तो जैसा वो करते हैं वैसा आपको भी करना है, यानी 15 दिन के अंतराल पर आपको एक चम्मच डीएपी और एक चुटकी उसमें यूरिया मिलाकर सॉइल में दे देनी है या फिर उसका आप स्प्रे बनाकर पानी में 1 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे बनाकर दे सकते हैं। अब आप यहाँ जो देख रहे हैं गोबर का काउडंग का, तो ये आप, मैंने इसकी वीडियो अलग से भी डाली हुई है, इसको आप देख सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप एक मुट्ठी बोलते हैं इसको, ऐसे पकड़ो और मुट्ठी का मतलब है ऐसे जब बंद हो जाए, ऐसा नहीं कि पूरा भर लिया। एक मुट्ठी का मतलब है कि ये जब हमारी मुट्ठी बंद हो जाए, तो एक मुट्ठी आप गोबर की खाद ले लें, उसमें 1 लीटर पानी में उसको डाल दें और 10 से 15 ग्राम गुड़ जो गन्ने का बनता है वो गुड़ को डाल दें। 2 से 3 दिन बाद उसको आप स्प्रे करें पौधे पर, तो काफ़ी फायदेमंद होता है। आपको एनपीके या डीएपी देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब मैं आती हूँ पोटाश पर। आप सामने ये पोटाश देख रहे हो, पोटाश भी नर्सरी वाले अपने पौधे में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो आप फ्लावर देखते हैं खिलता हुआ, तो फ्लावर खिलाने में, कलियां बनने में, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसमें फल फूल लाने में पोटाश का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इसलिए इसको डालते हैं 15 से 20 दिन में इसको डाला जाता है, वो लोग डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं। तो आप जो नर्सरी से पौधे लेकर आएंगे उसमें फ्लावर जिस तरह से नर्सरी में आ रहे थे वैसे आते रह जाएंगे। इसमें मान लो कि अगर आपका गमला जो है 12 इंच का है, तो एक चम्मच पोटाश को आप पानी में घोल ले, 1 लीटर पानी में एक चम्मच पोटाश को घोल ले, इससे पूरे पौधे को स्प्रे कर दें और बचे हुए पानी को आप सॉइल में डाल दें और ऐसा आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहें। दोस्तों, अब मैं बात करने वाली हूँ आपसे नीम खली की। नीम के पौधे को आप पहचानते हो, नीम से पेस्टिसाइड बना करके भी मैंने आपसे शेयर की है। नीम का जो पत्ता होता है, उसकी निबौड़ी होती है, सब आपके गार्डनिंग में बहुत अच्छे से काम आते हैं। नीम की जो का जो तेल निकलता है उसका हम लोग छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड का वो काम करता है। और जो उससे खली बनती है, वो खली आप यहाँ देख रहे होंगे, नीम की खली है, इसमें आपको उपयोग करना है। मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है, आप देख ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको शेयर कर दूँ कि सप्ताह में एक बार आप इसमें से क्या करो कि एक चम्मच नीम खली ले लो, एक चम्मच नीम खली ले लो और गमले या फिर सॉइल में आपने पौधे को लगाए हैं तो उसको गुराई करके उसमें नीम खली का पाउडर, ये देख रहे होंगे पाउडर फॉर्म में इसको, अगर नहीं है तो आप मिक्सी में उसको पाउडर फॉर्म में भी बना ले सकते हैं और उसके सॉइल में इसको मिला देनी है। तो जो आपके पौधे में फंगस वगैरह लगते हैं, रूट प्रॉब्लम आती है, रूट ख़राब हो जाती है, पौधे ख़राब हो जाती है, उससे आपके पौधे का बचाव होता है। और ये आपके लिए बहुत आवश्यक है
कि उसके रूट में नीम की खली का उपयोग करें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर, या फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में नीम खली का उपयोग करें। दोस्तों अब आते हैं सरसों की खली पर। इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और हमारे हर एक पौधे में, चाहे वो फूल वाला हो या फल वाला हो या हमारे वेजिटेबल हो, सब पौधे में ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। आप इसको देख रहे होंगे सरसों खली को, ये दो कलर में आपको दिखाई देगा। ये आपको ब्लैक दिख रहा है और इसका येलो भी होता है। वो सरसों के क्वालिटी पर है, जिस तरह का सरसों होगा उसी तरह की उसकी खली होगी। और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर आपके पौधे के लिए बहुत फायदेमंद है। इनडोर से लेकर आउटडोर तक, वेजिटेबल से लेकर फ्रूट तक और फ्लावर लाने में, और पौधे को काफ़ी हेल्दी बनाएगा। और जो फ्रूट वगैरह होंगे, सब्जियां होंगी, उनमें किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी और वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अब उपयोग करने में ऐसा है कि आप इसका पाउडर बनाकर सॉइल में उपयोग कर सकते हो, या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर उसको आप उपयोग कर सकते हो। 15 दिन से 20 दिन के अंतराल पर आप सरसों खली का भी पौधे पर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह रहा आपका बोन मिल, जाना पहचाना बोन मिल हुआ। ये आपका बोन मिल जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। इसको एक बार अगर आप अपने पौधे में दे देते हैं तो ये 3 महीने तक काम करते रहता है। एक्चुअली ये आपका बोन मिल किस चीज़ का होता है ये भी मैं आपको शेयर कर दूं। ये होता है हड्डी का चूड़ा, यानी जो जानवर हैं, मवेशी हैं, जानवरों के हड्डी का चूड़ा का बोन मिल बनता है। तो ये आपके पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैल्शियम फास्फोरस देता है। तो इसको ज़रूर अपने पौधे में उपयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके पौधे कितने स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और फल और जो सब्जियां हैं या फिर फ्लावर हैं वो कितनी अच्छी तरह से आते हैं। लेकिन मैं एक यहाँ बात करूँ कि इसको देना कैसे है। तो आप इसको सॉइल में, सीधे दानेदार है, आप सॉइल में गुराई करके सीधे मिला दे सकते हैं। जितने बड़े पौधे हैं, 12 इंच के गमले में आप 1 चम्मच अगर बोन मिल का उपयोग करते हो तो काफ़ी है, और 3-4 महीने के बाद करनी है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी ये आती है कि बोन मिल का उपयोग सभी नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना ये होता है कि हड्डी का चूड़ा है जानवरों का, तो वे अपने सब्जी या फ्रूट, या फिर कहो कि जैसे तुलसी का पौधा है, उसमें देना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि केला, जो केला आप खाते हैं, उसके छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। वो सेम काम करेगा जो बोन मिल करता है, तो आप ये काम कर सकते हैं उसको। और यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस गुराई करनी है, उसमें 1 चम्मच आपको बोन मिल मिला देना है, वो भी 3 महीने के बाद। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं समुद्री घास है, ये भी आपके पौधे के लिए काफ़ी अच्छा आता है। इसका लिक्विड फॉर्म में भी आता है और इस तरह से जो आप देख रहे हैं ग्रेनुल्स में भी आते हैं। आप जिसका भी चाहें उपयोग कर सकते हैं, आपके पौधे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। फल फ्रूट या फिर जो आपका फ्लावर है, सब्जियां हैं, सब में आपका समुद्री घास फायदेमंद होता है। तो इसका उपयोग भी आप चाहें तो कर सकते हैं। समुद्री घास का उपयोग तो आप 1 चम्मच देख रहे हैं, इतने बड़े चम्मच से 1 चम्मच आप अगर 12 इंच का गमला है तो उसमें आप कर दें, गुराई करके डाल दें तो काफ़ी रहेगा। और ये महीने में एक बार भी अगर आप दे देते हैं तो काफ़ी रहेगा। दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट भी आपके पौधे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आपके फ्रूट अच्छे आते हैं, चमकदार आते हैं, फ्लावर जो हैं बड़े बड़े आते हैं और पौधे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इसका उपयोग भी आपको बस ऐसे ही करना है कि 1 चम्मच आप लीजिए और उसको आप अपने सॉइल में मिला दीजिए तो ये अच्छा रहेगा। या फिर आप इसको पानी में मिला ले, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाकर पत्ते पर छिड़काव करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब मैं बात आपसे कर लूँ,
कि ऐसा नहीं कि ढेर सारे फर्टिलाइज़र मैंने जो शेयर किए हैं सब के सब डाल देने हैं, इसको उचित समय पर देना है। यानी जब फल फ्रूट आपको लेने हैं तो उस समय आप दे पोटाश, जब पौधे की थोड़ी ग्रोथ चाहिए उस समय आप उसमें यूरिया और डीएपी की जो मैंने बात की है वो देना है। और इस तरह से इसको आप बदल बदल करके भी फर्टिलाइज़र दें, और 15 दिन से लेकर 20 दिन या कोई महीने में एक बार, या फिर आप बोन मील दे रहे हो तो 3 महीने पर एक बार देनी है। और इस तरह से इन सब बातों की मैं चर्चा करते रहती हूँ। आप मेरे सारे फर्टिलाइज़र वाले वीडियो में देखोगे कि मैंने हर एक बातों को आपसे जिक्र करके अच्छी तरह से समझा कर बताने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरा कहना यहाँ पर यही है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से पौधे ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं और काफ़ी बड़े बड़े फूल और फल आते हैं। आपके घर से निकलने वाला जो मटेरियल है, जैसे आप सब्जी धोते हो, चावल धोते हो, आप घर में जो प्याज छीलते हो, आलू छीलते हो, इसके छिलके का, केले का छिलका, फ्रूट का छिलका, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही हम लोग उपयोग करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ कहीं पर कोई कुछ मेरा छूट गया हो बोलने में, या आपको समझने में परेशानी हो रही हो, तो ज़रूर आप कमेंट में जाकर पूछ लेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।